फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं स्टफ स्पाइसी ग्रीन चिल्ली। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने लिया हरी मिर्च, ये मोटी साइज़ की है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। अगर आपको और कम तीखा चाहिए तो उसके सीड्स निकाल लेना। एक स्पून जीरा पाउडर, एक स्पून धनिया पाउडर, एक स्पून आमचूर पाउडर, नमक, एक नींबू और तेल। सबसे पहले मैं मिर्चों धो करके उन्हें ड्राई कर लिया। उसके बाद एक प्लेट में एक स्पून धनिया पाउडर, एक स्पून जीरा पाउडर, एक स्पून आमचूर पाउडर, एक स्पून नमक डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैं मिर्चियों को बीच में से जीरा लगाऊंगी। जीरा लगा के उसके अंदर मैं ये वाला स्टफ भरूंगी। मिर्चियों को अच्छे से धो के पहले सूखा पोंछ लेना है। उसके बाद बीच में से इस तरीके से जीरा लगाना है, जिस तरीके से हम लोग भजिया बनाते समय लगाते। उसके बाद उसमें से सीड्स निकाल लेना, उसके बीजे, उससे थोड़ा सा तीखा कम लगेगा। वैसे ये मोटी मिर्ची है तो ये ज़्यादा तीखी नहीं रहेगी। इस तरीके से बीच में चीरा लगा के ये आमचूर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर का मसाला हमको सारी मिर्चियों में भर लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई रख के उसमें तेल गरम करके उसमें हम लोग मिर्चियों को डालेंगे। मिर्चियों को डाल के उन्हें मिक्स करते हुए भून लेंगे। ये मिर्ची बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी है। चाहे कोई स्नैक्स हो, समोसा हो, पराठा हो, उसके साथ एज अ साइड डिश खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इनको अच्छे से भून रही हूँ। भून के मैंने थोड़ा ढक दूंगी ताकि इसके छींटे हम पे ना उड़ें। मैंने 2-3 मिनट तक ढक दिया है। मिर्ची अच्छे से गल भी गई है, भुन भी गई है। इन्हें क्रिस्पी होते तक हमें भुनना है पलटते हुए। बस हमारी स्पाइसी टेस्टी मिर्ची बनके रेडी है। मैं इसे निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में कर। उसके बाद मैं इसके ऊपर निचोड़ूंगी नींबू। हमारा स्पाइसी खट्टा चटपटा स्टफ्ड मिर्ची बनके रेडी है। आप भी इसे बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।